सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग भूगोल के विषय का पांचवा अध्याय प्राकृतिक वनस्पति एवं वन प्राणी का देखो तेरे प्रश्न का 9 का जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि वर्क 9 से लिया गया है। और बच्चों, जो भी पिछले वीडियो में हमने आपको इस अध्याय से संबंधित जानकारियां बताई हैं, क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं, आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि आप लोग जो है अपने पेपर के कॉपी में उसे भली भांति लिख रहे होंगे और उसे निश्चित रूप से आप याद भी कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोग जो है मन लगा कर पढ़िए और समय का सही सदुपयोग कीजिए। बच्चों देखिए, कह रहा प्रश्न है 9 नंबर, बिहार में किस प्राणी को सुरक्षित रखने के लिए वाल्मीकि नगर में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। बच्चों आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर में जो प्रोजेक्ट बाघ के लिए चलाया जा रहा है, उसमें बाघ को जो है रख रखाव के लिए जो है विशेष सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। बच्चों, वाल्मीकि नगर प्रोजेक्ट में केवल बाघ ही नहीं रहते हैं, बल्कि अदर भी जानवर जो है उसमें रख रखाव के लिए रखे जाते हैं, लेकिन सरकार का जो है विशेष फोकस जो है वह बाघों के लिए है। तो बच्चों देखिए, इसमें दिया हुआ है, इसके आंसर है वाल्मीकि नगर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में, ठीक ना, पश्चिमी चंपारण के जिले के सबसे उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक छोटा सा कस्बा है जहां कम आबादी है और यह अधिकांशतः वन क्षेत्र के अंदर है। वाल्मीकि नगर में बाघ को सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाता है, जिसे आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। प्रश्न एक और है जो कि आपको मौखिक रूप से हमने बता देते हैं, उसके बाद जो है इस प्रश्न पर जो है हम ध्यान आकर्षित करते हैं। कह रहा है वन प्राणियों के संरक्षण के तरीके बताएं। तो बच्चों, वन प्राणी के संरक्षण के तरीके हैं, जैसे कि मान लीजिए वन प्राणी कैसे संरक्षित रहेंगे, उनके लिए जो है सरकार राष्ट्रीय उद्यान चलाए, जगह जगह पर जो है उनके लिए एक विशेष क्षेत्र जो है बनाया गया है, जिसमें वहाँ के जलवायु के अनुसार जो भी जीव जंतु हैं उन्हें वहाँ पे रखा गया है, ठीक ना, और वे जीव जंतु जो है वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, प्रजनन क्रिया करते हैं और जो है उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ते जाती है। और बच्चों, हम लोग को भी जो है वन प्राणियों के प्रति उदारता व्यक्त करनी चाहिए, उनके लिए जो है नहीं मारनी चाहिए, ठीक ना, उनके लिए जो है हमें चारा वगैरह जो है सब डालना चाहिए, ठीक ना, और जो है जो भी ऐसा काम करते हैं उनको उससे मना करना चाहिए। हमको जो है एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी वन प्राणियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, ठीक ना, और जो है लोगों को मैसेज देना चाहिए, संदेश देना चाहिए कि वन प्राणी हमारे मित्र हैं, पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं और जो है हमारे जीव मंडल के जो घटक हैं, इसलिए इन्हें नहीं मारा जाए, ठीक ना। तो बच्चों आगे तरफ चलते हैं, जो कि उसी प्रश्न से संबंधित है। ये प्रश्न कह रहा है वन और वन जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी कैसे महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर बताते हैं। वन और वन जीव दो प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देना है। वन और वन जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी कैसे महत्वपूर्ण है, और कह रहा है आंसर वन और वन्य जीव संरक्षण पर्यावरण और जलवायु के लिए आवश्यक है, ठीक ना, वन्य का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान सदी के
उत्तराद से वनस्पति के अभाव से उत्पन्न प्रदूषण, भूमि क्षरण जैसी समस्याएं उठी। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। प्रदूषण या खपत ये है, जो मानव की बढ़ती जनसंख्या तथा वनों की अधिक कटाई है, ठीक ना। तो वन की कटाई मानव के द्वारा जो है, मानव जनसंख्या जो कि दिन पर दिन बढ़ रही है, मानव अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कारखाने स्थापित कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, और काटने के बाद जो है नगरीकरण का स्थापना कर रहे हैं, जो कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रही है और जो ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, अर्थात जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, जो कि मानव जीवन के लिए ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनके लिए भी घातक साबित हो रहा है। तो बच्चों ये देखिए आगे कर रहा है, वन प्राणी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं, मनुष्य के पौष्टिक व आहार वस्त्र तथा अनेक धंधों में वन प्राणियों का महत्वपूर्ण योगदान है। वन प्राणी पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन मनुष्य अपने सुख सुविधा के लिए वन्य का अनियंत्रित ढंग से उपयोग कर रहा है। वन्य प्राणी का अनियंत्रित ढंग से उपयोग करता है। परिणाम स्वरूप वन्य प्राणी विलुप्त होते जा रहे हैं, अतः इनका संरक्षण आवश्यक है। बच्चों वन्य प्राणी जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूध, मांस, वस्त्र इत्यादि जो है हमें वन के जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब रहा सवाल कि मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका दोहन अधिक कर रही है, इनकी जो है हत्या अधिक हो रही है मांस के लिए, तो जो है लोग क्या कर रहे हैं, इसे संतुलन जो है खेती पर जो जीवों का संतुलन है वो बिगड़ रहा है, उनकी संख्या घट रही है, वो विलुप्त हो रहे हैं, जो कि आने वाले हमारे समय के लिए जो घातक साबित होगा। तो बच्चों आप लोग को मैंने बनाए हुए वीडियोस को अच्छे से पसंद आया हो और आप लोग घर पर जो है इसे भली बात याद भी कर रहे हो, समय का सही सदुपयोग भी कर रहे हो, ठीक ना। आप लोग इसे लिखेंगे और अगले वीडियोज में इसके आगे तरफ चलेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।